जिला बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपमंडल स्वारघाट कस्बे में स्थानीय व्यापार मंडल ने बाजार बंद करके एक रैली निकाली। गुरुवार के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सेना के काफिले पर पाकिस्तान द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले को लेकर स्वारघाट के विश्रामगिरी से लेकर सारे बाजार में रोषपूर्ण शव यात्रा निकाली गई। इसके बाद स्वारघाट बस अड्डा चौक पर पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। शव यात्रा के दौरान व्यापार मंडल स्वारघाट के प्रधान महेंद्र सिंह राणा उनके साथ सभी पदाधिकारी व सदस्य और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जय याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। सभी देशवासियों की ओर से भी हमारे देश के शहीद हुए हैं उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद जैसा कि अभी भी स्वारघाट में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान, वो इसीलिए है कि हमारे जो देश के नौजवान, हमारे सिपाही जो शहीद हुए अभी अभी, आज भी चार जो जवान और शहीद हुए, मतलब जो आतंकवाद है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है किसी भी तरह से, तो उसके जबरदस्त विरोध के लिए आज स्वारघाट में हमने सारा बाजार आज के दिन बंद किया था। जितने भी हमारे लोकल संगठन थे, वो सभी संगठनों ने मिलके व्यापार मंडल स्वारघाट का सहयोग किया और सभी ने एक यहाँ पे जबरदस्त रैली निकाली, पाकिस्तान की जो है वो अर्थी बना के पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली। और पाकिस्तान की शव यात्रा निकालने के बाद SDM को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारत सरकार को इस जो कश्मीरियों को हमारे जो इलाके से वो भगाने के लिए, कि हमें अपने इलाके में कश्मीरी नहीं चाहिए क्योंकि वो अलग बाती है, उनके जो हृदय में कभी भी जो है वो देश के प्रति कभी भी वो वफादार नहीं हो सकता। और इसके लिए एक जो रैली रोज प्रदर्शन स्वारघाट में जो व्यापार मंडल के प्रधान महेंद्र सिंह राणा की अगुवाई में जो किया गया, उसमें बहुत से दल शामिल रहे और युवाओं ने इसमें काफ़ी जोश दिखाया। और इसके बाद पाकिस्तान का जो है वो यहाँ पे पुतला जलाया जाएगा। इसके लिए जो हम सब की स्वारघाट वासियों की यही मांग है भारत सरकार से, कि वह इस जो घटना का जबरदस्त बदला ले, दुश्मनों को किसी भी हाल में ना छोड़े। आज देश में इतना ज़्यादा गुस्सा है, देश का हर नागरिक ये चाहता है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। जैसे हमारे उन्हें 40-42 जवान शहीद किए, आज भी कुछ जवान शहीद हुए हमारे वहाँ पे, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। भारत सरकार को हमें हम टीवी में देखते हैं, हमें दूसरे देशों का भी सहयोग मिल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इंडिया सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान का नाश कर दें, तबाही मचा दें, पाकिस्तान दोबारा कहीं विश्व के नक्शे पे ना रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। सब में आक्रोश है, हमारे जो CRPF के जवान जो शहीद हुए हैं, हम सभी युवाओं की यही पुकार है कि अब हमें जो हमारी जो भारत सरकार है उसको पाकिस्तान के साथ वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, सीधा हमला करनी चाहिए। क्योंकि हम युवाओं की आज यही पुकार है कि खून का बदला खून से लेना चाहिए। तो मैं भारत सरकार से यही आशा रखता हूँ कि वो इस फैसले पर बड़ा फैसला लेकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएंगे, क्योंकि आज हमारे जो आर्मी के जवान हैं वो उनमें भी जो बहुत आक्रोश है, उनके अपने साथी जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आर्मी के जवानों के फरकच्चे उड़ाए हैं, उसी तरह से हम यही सोचते हैं कि हमारी आर्मी के जवान भी किसी से कम नहीं हैं। पूरे विश्व में आर्मी के जवान एक नंबर वन है और नंबर वन रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद। 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 भारतवर्ष में जो पाकिस्तान ने घटना घटाई है, हमारे नौजवान सैनिकों को पीछे से छुरा घोंप करके उनकी हत्याएं की है, उसके लिए पूरा व्यापार मंडल स्वारघाट जो है आज देश के साथ है और पाकिस्तान का विरोध करता है। पाकिस्तान का पुतला जलाया जाएगा, ये पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। स्वारघाट मंडल चाहता है कि हिंदुस्तान की सरकार जो भी हमारा समर्थन चाहती है उस करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का सब कुछ, भारत जो कुछ दे रहा है उसको बंद करो देना चाहिए, ताकि ऐसे देश के साथ हमारे कोई संबंध ना रहे।
हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।